हे गाइस, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के बारे में जिनके बेबीज पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड पर डिपेंड रहते हैं और उन्हें कोई बाहर से फॉर्मूला मिल्क नहीं मिल रहा होता है। तो उन मदर्स के दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है कि उनके ब्रेस्ट फीड से उनके बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, वो ब्रेस्ट फीड जो करा रही है वो उसकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर है या नहीं है। मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया था जब मेरा बेबी 1 मंथ का था और उसका जो फीड करने का ड्यूरेशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। वो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक फीड कर रहा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी कि मेरे बेबी का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे कुछ इंडिकेशंस ऐसे बताए, अगर वो इंडिकेशन आपके बेबी में है तो इसका मतलब है बेबी पूरी तरह से अच्छे से फीड ले रहा है, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, क्योंकि स्ट्रेस लेने से तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो और कम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कुछ इंडिकेशन ऐसे बताऊंगी जो मुझे डॉक्टर ने बताए थे, जो मैंने उन्हें सजेस्ट किए थे कि अगर ये इंडिकेशन आपके बेबी में है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले इंडिकेशन होता है बच्चे का हाइड्रेशन। आप उसका हाइड्रेशन चेक करते रहिए कि बेबी कितनी बार यूरिन पास कर रहा है दिन में। अगर बेबी 7 से 8 बार यूरिन दिन में पास कर रहा है इसका मतलब वो अच्छे से हाइड्रेटेड है। बेबी के जो लिप्स होते हैं वो ड्राई नहीं होने चाहिए, वो पूरी तरह से हाइड्रेटेड होने चाहिए। अगर बेबी के लिप्स ड्राई होते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो अच्छे से मिल्क नहीं ले रहा है, उसका हाइड्रेशन कम हो रहा है। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चे की स्किन। अगर बच्चे की स्किन पिंकिश रहती है, ग्लोइंग है, इसका मतलब है बच्चे अच्छे से हाइड्रेटेड है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चे कितनी देर में फीड ले रहा है। अगर बच्चा आपका बहुत जल्दी जल्दी फीड ले रहा है इसका मतलब उसका पेट नहीं भर पा रहा है। अगर बच्चा आपका 2 घंटे से 3 घंटे के बाद फीड ले रहा है इसका मतलब उसका पेट अच्छे से भर रहा है और वो उसमें पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो रहा है। बच्चे का टाइम ड्यूरेशन आप चेक करिए कि वो कितनी देर तक सोता है। अगर बच्चा आपका फीड करने के बाद 2 घंटे तक सो रहा है इसका मतलब है कि बच्चे ने आपका अच्छे से फीड लिया है, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। बच्चे का एनर्जी लेवल आप चेक करिए। अगर बच्चा अच्छे से खेल रहा है, वो अच्छे से साइकिलिंग कर रहा है, पूरा खेल रहा है अच्छे से, कोई उसमें लेथार्जिक नहीं है बिल्कुल भी और कोई भी उसमें चिड़चिड़ापन नहीं है, तो इसका मतलब है बच्चे ने अच्छे से फीड लिया हुआ है, उसका पेट भरा हुआ है, इसीलिए वो अच्छे से खेल रहा है। यही सारे इंडिकेशंस ऐसे होते हैं अगर आप में बेबी में है तो इसका मतलब है बेबी अच्छे से फीड ले रहा है, उसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।